कांगड़ा में कोरोना के 3 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक पंचरुखी पुलिस थाना का ऑर्डिनरी हेड कांस्टेबल भी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने पुलिस थाना पंचरुखी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि पंचरुखी पुलिस थाना की सारी जुडिक्शन का पालमपुर शिफ्ट कर दिया गया है और पंचरुखी थाना के तमाम स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे में अब एसएचओ पालमपुर तुरंत प्रभाव से एसएचओ पंचरुखी का काम भी देखेंगे। जी, अभी आज सुबह ही 3 केसेस जो हैं, 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं कांगड़ा में। एक पपरोला से है, बैजनाथ से, एक उसी पंचायत से है जिससे अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था, कुलती पंचायत है जो तकीपुर के पास है, और एक एक ऑनरेरी हेड कांस्टेबल है पुलिस स्टेशन पंचरुखी में हमारे, वहाँ पे पॉजिटिव आया है। तो कुछ पता चला है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्टैक्ट की? ट्रेसिंग अभी कर रहे हैं हम लोग जी। सो स्लाइटली वरिंग फैक्टर यही है कि जो कुलथी पंचायत से है वो तो अभी 10 तारीख को जलंधर से आया है, सो तो इंटरस्टेट मूवमेंट है, तो क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो 2 व्यक्ति हैं, पपरोला वाला है और जो मेरा पुलिस स्टेशन, मेरा जो ऑनरेरी हेड कॉन्स्टेबल है, वो दोनों यहीं के यहीं हैं। सो दैट्स अभी तक उनका एज सच हमारे पास कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि हम पहले सभी केसेस में ट्रैक कर पा रहे थे कि व्यक्ति दिल्ली से आया है या कहीं और से आया है। सो अभी इनका हम सारा कॉन्टैक्ट जो है, पूरी डिटेल्स ले रहे हैं। वो किसी ना किसी इन्फेक्टेड आदमी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद इन्फेक्ट हुए हैं अभी तक के अनुसार, तो यही संभावना है। सो इस संदर्भ में मैं एक बार फिर कांगड़ा की जनता से, लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो प्लीज़ लेते रहें। आपको अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें लेनी हैं उनको लेने के लिए जाएं, लेकिन जो अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, अपने मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहन के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, और किसी के साथ भी कांटेक्ट में आने के बाद अच्छे से अपने हाथों को धो लेना है, वॉश करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, दैट बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो ये 2 केसेज हमारे आए हैं इसके बाद से। वी हैव क्लोज डाउन द पुलिस स्टेशन टेम्परेरली। मैंने पुलिस स्टेशन पालमपुर के अंतर्गत पुलिस स्टेशन ज्वाला पंचरुखी की सारी जुरिस्डिक्शन को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि तमाम स्टाफ को मुझे इमीडिएटली क्वारंटाइन करना पड़ा है। सो एस एच ओ पालमपुर जो है, इफेक्टिवली एस एच ओ पंचरुखी का काम भी देखेंगे, एंड देन वील सैनिटाइज द कम्प्लीट बिल्डिंग फॉर फ्यू डेज, एंड एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन एंड जो CMO या हेल्थ डिपार्टमेंट हमें एडवाइज करेगा अकॉर्डिंगली, बिल्डिंग को सैनिटाइज करके बहुत जल्दी फिर हम फंक्शनिंग शुरू करेंगे। कि जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन को वॉयलेट कर रहा है, वट एवर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, वी आर रजिस्टरिंग FIRs। अब तक हम लगभग 300 के करीब FIR जो रजिस्टर कर चुके हैं सारे संदर्भ में। अब इन 2 केसेस के बाद ही मैं ये बात बोल पाऊंगा, सो इट्स टू अर्ली टू से, बट वी हैव टू बी वॉचफुल एंड केयरफुल। यस, हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन 2 लोगों के अभी तक कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं और दोनों लोकल हैं, कहीं ट्रैवल भी नहीं किया। टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं हम लोग, और मे बी अब थोड़ी सी टेस्टिंग जो है उसको हम, एक ग्रुप टेस्टिंग होता है उसकी, हम उसके वजह से हम कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं। सो CMO कैन टेल यू बेटर, बट यस, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो रही है जी। इनफैक्ट हम लगभग 70-80-100 लोगों की जो टेस्टिंग है वो करवा चुके हैं, और हर दिन 10 से 15 लोगों के जो COVID-19 का जो टेस्ट है वो हम पुलिस में, जो भी लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनका हो रहा है। नहीं, अभी दूसरे जिलों से जो आ रहे हैं उनको अभी तक होम क्वारंटाइन का ही प्रावधान है, स्पेशली अगर बद्दी डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है। बाकी जिलों से अभी तक हम लोग स्पेसिफिक, अगर किसी को हार्वेस्टिंग के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको, या किसी और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आ रहा है, तो टाइम टू टाइम उसको परमिशन भी दे रहे हैं हम लोग कि दे कैन डू देयर वर्क ऑल्सो। इंटर स्टेट के लिए डेफिनेटली देर इज़ अ होम क्वारंटाइन, और जो रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहूँगा 60 साल से जिनकी मेडिकल कंडीशंस हैं और जो सीनियर सिटीजन में एज ज़्यादा है या प्रेग्नेंट वेमेन है, उनके लिए डेफिनेटली होम क्वारंटाइन होगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं होगा।